राज्य में ठंडी की बात करवामां आवे तो कंडला में 12 डिग्री तापमान नोंधवामां आव्युं हतुं। लघुत्तम तापमान 12 डिग्री नोंधायुं हतुं। आ साथे ज अन्य शहरों में लघुत्तम तापमान 15 थी 20 डिग्री वच्चे नोंधवामां आव्युं हतुं। राज्य में 12.1 डिग्री साथ कंडला ठंडुगार रह्युं छे। तो अमदावाद में 15 डिग्री लघुत्तम तापमान नोंधायुं छे। बात वडोदरा की करिए तो वडोदरा में 16.2 डिग्री लघुत्तम तापमान नोंधायुं छे। सूरत में 19 डिग्री लघुत्तम तापमान नोंधायुं छे। राजकोट की जो खास बात करवामां आवे तो राजकोट में लघुत्तम तापमान 17.5 डिग्री नोंधायुं छे। आ तरफ गांधीनगर में पण 14 डिग्री लघुत्तम तापमान नोंधायुं छे। ने आवतीकाल थी 3 दिवस तंत्र द्वारा मावठानी आगाही करवामां आवी छे। आवतीकालथी 3 दिवस सुधी वरसाद पड़वानी एटले के मावठानी आगाही हवामान विभाग द्वारा व्यक्त करवामां आवी छे, जेथी ठंडीना प्रमाणमां वधारो थई शके छे। तो वधु माहिती આપવા માટે રવિ ભાવસર આપણી સાથે સીધા જોડાઈ ચૂક્યા છે। જી રવિ, જે રીતે તમામ જો શહેરોની વાત કરીએ તો તાપમાનનો પારો 15 થી 20 ની વચ્ચે નોંધાઈ રહ્યો છે, તો કંડલામાં 12 ડિગ્રી જેટલું લઘુત્તમ તાપમાન નોંધવામાં આવ્યું હતું। बिल्कुल थी जो बात करवामां आवे तो जे प्रमाणे हवामान विभाग द्वारा जे आगाही करवामां आवी छे कि आगामी जे 3 दिवसो छे ते 3 दिवसोमां जे ठंडीना मावठानी असर छे ते मावठानी असर समग्र राज्यमां वर्तशे। एटले कही शकाय के उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात अने दक्षिण गुजरातमां जे प्रमाणे ठंडीनुं असर छे ते ठंडीनी असर वधवानी शक्यताओ रहेली छे। जो हवामान विभाग द्वारा जे आगाही करवामां आवी छे तेना पगले अत्यारे हाल जे अमदावादमां जे ठंडीनुं प्रमाण कही शकाय के अमदावादमां लघुत्तम ठंडीनुं प्रमाण 15.0 डिग्री तापमान साथे अत्यारे हाल नोंधवामां आव्युं छे। जो बात करवामां आवे तो राज्य में सौथी ठंडू एटले के कंडला सौथी ठंडू लघुत्तम ठंडू छे ते नोंधवामां आव्युं छे। एटले के तेमां 12.1 डिग्री छे ते तापमान नोंधवामां आव्युं छे। साथे साथे जो बात करवामां आवे तो वडोदरामां 16.2 डिग्री लघुत्तम तापमान छे ते नोंधायुं छे। सूरतनी जो बात करवामां आवे तो सूरतमां 19.0 लघुत्तम तापमान छे ते नोंधवामां आव्युं छे। एटले अने राजकोटनी जो वात करवामां आवे तो राजकोटमां लघुत्तम तापमान 17.5 डिग्री छे ते नोંધાયું છે। અને સાથે સાથે ગાંધીનગરની જો વાત કરવામાં આવે તો ગાંધીનગરમાં લઘુત્તમ તાપમાન છે તે 14.0 ડિગ્રી નોંધવામાં આવ્યું છે। એટલે કે હવામાન ખાતા દ્વારા જે આગાહી કરવામાં આવી છે કે આગામી 3 દિવસો સુધી જે ઠંડીનું માવઠું છે તે ઠંડીનું માવઠું સમગ્ર રાજ્યમાં ફરશે અને તેને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં તેની અસર અત્યારે હાલ છે તે વર્તાઈ રહી છે। જી જી રવિ, સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ આભાર। तो जी रीते खास बात कर हवामान विभाग द्वारा पण आगामी समय में मावठू थवानी शक्यताओ व्यक्त करवामां आवी छे। आ तरफ तापमान पारो हाल तो 15 थी 20 डिग्री वच्चे नोंधाई रह्यो छे। सात तो कंडला में 12.1 डिग्री लघुत्तम तापमान नोंधायुं हतुं।